हेलो, मैं हूं अब्दुल्ला खान। क्या बोलते हैं भाव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इतिहास के बारे में जो अनसुनी है लेकिन बहुत बड़ी है। सुना है आजकल मुगलों का इतिहास मिटाने का वर्कआउट चल रहा है। खैर, सरकार आपकी है, पावर भी आपका है, जो मर्जी करे वो कीजिए, लेकिन हो सके तो हकीम खान सुर का नाम भी इतिहास से मिटा देना, जो हल्दी घाटी का हीरो था। अगर आप हकीम खान सुर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, हकीम खान सुर महाराणा प्रताप का बहादुर सेनापति था। हकीम खान सुर के बिना हल्दी घाटी का युद्ध ही अधूरा है। 18 जून 1576 की सुबह जब महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना जब आमने सामने हुई, तो महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से पहली टुकड़ी हकीम खान सुर की थी, जिससे अकबर की सेना का मुकाबला हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय अकबर का सेनापति कोई और नहीं मान सिंह था, और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सुर था। हो सके तो इनका भी नाम मिटा दीजिए इतिहास से, क्योंकि ये भी एक मुसलमान थे जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। कहते हैं कि हकीम खान सुर से उनके दुश्मन थर थर कांपते थे। अंतिम युद्ध में उनकी वीरता दिल दहला देने वाली थी। हल्दी घाटी की युद्ध में लड़ते लड़ते हकीम खान सुर शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि जब उनका सर कटा था तो उनका धड़ उनके घोड़े पे ही था और उनके हाथ में तलवार थी। उस समय भी अकबर की सेना उनके आसपास नहीं जा रही थी। उनको डर लग रहा था कि कहीं ये हम पे फिर से न वार कर दे, भले ही इनका सर कटा हो। इस मंजर को देख के अकबर की सेना के पसीने छूट गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद उनका धड़ और उनका हाथ में जो तलवार थी वो कुछ दूर आगे जाके गिरी और वहीं पे उनको दफना दिया गया। आजकल वहां के लोग उनको पीर के नाम से जानते हैं और वहां पे एक मजार भी बनाया गया है। ये भी कहा जाता है कि हकीम खान सुर के साथ साथ उनकी तलवार को भी दफनाया गया था। शिवाजी महाराज नाम किसने नहीं सुना होगा। शिवाजी महाराज का तोपखाना का जो प्रमुख था वो भी एक मुसलमान था, जिसका नाम इब्राहिम खान था। हो सके तो इसका भी नाम आप इतिहास से मिटा दीजिए, क्योंकि ये भी एक मुसलमान है जो शिवाजी के साथ में था। कैसे मिटाओगे महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची गौस खान का नाम। वही गौस खान जिसने आधुनिक कड़क बिजली तोप का निर्माण किया था, और युद्ध के समय में मंदिरों को बचाते बचाते उसने अंग्रेजों पे इतने गोले बरसाए थे कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए और उनको पीछे हटना पड़ा था। हो सके तो गौस खान का नाम भी मिटा देना। मैं आपको बता दूं कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान के साथ साथ 1500 मुसलमान उनके अंगरक्षक थे, जो मरते दम तक उनके साथ रहे। हो सके तो इन सबका नाम इतिहास से आप मिटा देना। आज भी बुंदेलखंड में रक्षाबंधन का त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 1857 में जब क्रांति भड़की थी, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ राखी भेज कर बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय से अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगी थी। राखी मिलते ही अली बहादुर द्वितीय ने बहन की लाश के लिए 10,000 सैनिकों को लेकर के अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए झांसी पहुंच गया था। हो सके तो इसका भी नाम इतिहास से मिटा देना, क्योंकि ये भी एक मुसलमान था। टीपू सुल्तान, हो सके तो इसका भी नाम इतिहास से मिटा देना। इसका नाम तो आप वैसे भी इतिहास से मिटाने वाले हैं, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने उस समय दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, लेकिन लड़ करके उनको ये अधिकार दिलाया कि वो अपना स्तन ढक लें। हो सके तो इसका भी नाम आप मिटा दीजिए। किस किस का इतिहास मिटाओगे? अगर गांधी का इतिहास खोदोगे तो उसमें से खान अब्दुल गफ्फार का त्याग मिलेगा। सुभाष चंद्र का इतिहास खोदोगे तो उसमें हबीबुर रहमान, शाहनवाज, आबिद हसन जैसे कर्नल जैसे रणबांकुरे मिलेंगे। अगर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास खोदोगे तो उसमें से अशफाक नजर आएंगे। अगर सेना का इतिहास खोदोगे तो उसमें पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करने वाला वीर अब्दुल हमीद नजर आएगा। अगर इन सब पर भी मन न भरे तो प्रमाण संपन्न भारत का जो प्रमाण जनक है एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी नाम आप इतिहास से मिटा देना।
पर याद रखना, इतिहास न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, ना ही निर्देशित किया जा सकता है। हाँ, छुपाया जरूर जा सकता है, वो भी कुछ पल के लिए। जब तक आपकी सरकार है आप इसे छुपा सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। तो इतिहास मिटाने की कवायद को छोड़ करके देश में नई टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फालतू मुद्दे ही देश में रखने हैं, जिससे लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता रहे। खैर, सरकार आपकी है, आप जो चाहे वो कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।